नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? अभी कल शाम को एक शासनादेश आया और उसमें ये था कि जो आपकी अर्हताएं हैं उसके समकक्षता को लेके जो अभी तक विवाद चल रहा था उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न कोचिंग संस्थान, विभिन्न यूट्यूबर्स उसका थोड़ा गलत मैसेज निकाल के बच्चों को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। जो मेरा कर्तव्य है कि आपको एक सही जानकारी, शासनादेश का मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा क्या है। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती है, चाहे UPSC हो, चाहे UPSSC हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अन्य कोई भर्ती हो, शिक्षा से संबंधित सारी ही यहाँ पे कोर्सेस और जानकारियाँ यहाँ पे मिलती रहती हैं और आपको बहुत विधिवत तरीके से आपका मार्गदर्शन भी किया जाता है। हालांकि अभी क्या था कि एक अर्हता विवाद है और अर्हता विवाद की जो बात कर रहे हैं वो इससे एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्मिक अनुभाग से आया था। इसका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले थोड़ा सा आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे तो पता होगा, नहीं पता होगा तो इतना सा मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वर्ष से 2021 के बाद से ही, 2021 के मिड से ही, 2021 और 2022 पूरा इसमें जा रहा है कि एक समकक्षता का क्या होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। समकक्षता का स्पष्टीकरण आप ऐसे समझो कि अभी तक जो भी फॉर्म आते थे, फॉर्म में क्या होता था कि वहाँ पे लिख देता था कि स्नातक, स्नातक या एवं समकक्ष, या कोई अगर अलग से सर्टिफिकेशन मांगा है तो उसके समकक्ष, या अलग से कोई आपका विशिष्ट कोर्स मांगा हुआ है, कोई विशेष आपसे सब्जेक्ट मांगा हुआ है तो उसके समकक्ष, और वो समकक्ष का निर्धारण नहीं किया जाता था, जिसके चलते क्या होता था, बच्चे कन्फ्यूज रहते थे और बाद में वो हाई कोर्ट में क्या कर देते थे, रिट डाल देते थे, केसेस कर देते थे, जिसके चलते क्या होता था, भर्ती के में बाध्यता आती थी उसे पूर्ण होने में। इसमें आप देखोगे सबसे बड़ा एग्जांपल एक अभी हाल में हो रहे मुख्य सेवक की, सेविका की परीक्षा है, या फिर बात किया जाए रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, या फिर ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं कब आयोग की तरफ से भी हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो उनके ही स्पष्टीकरण में है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कन्फ्यूज हैं इसमें कि ये ओ लेवल को लेके है, तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि ओ लेवल को स्पेशली लेके कोई ना ही रिट है, ना ही कोई याचिका है और ना ही कोई ऐसा विवाद है। जो बात चल रही थी वो आपकी इसे स्नातक समकक्षता को लेकर चल रही थी, उसमें अकेला केवल ओ लेवल नहीं था, तो ओ लेवल भी इसी के इंक्लूडिंग था। अब कैसे उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, प्रेषक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी का है, प्रमुख सचिव जी आपको पता ही होगा, ठीक है, जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहां चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयनित अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। अभी तक क्या होता था समझिएगा कि जो भर्ती आती थी भर्ती आयोग नहीं करता है, जब आप सेलेक्ट होते हो तो आयोग में जाके कहीं पे कोई भी भर्ती बोर्ड हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ हो, चाहे क्या हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो या फिर आपका माध्यमिक शिक्षा और जो बेसिक शिक्षा था अभी तक या बोलो, या भी जो नई शिक्षा या गठित होगा उसकी बात करें, यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये केवल आपका रिक्रूटमेंट करवाते हैं। सिलेक्शन आपका कहाँ पे होता है, विभिन्न विभागों में जहाँ से पद खाली होते हैं, जैसे हो सकता है राजस्व विभाग, हो सकता है शिक्षा विभाग, हो सकता है चिकित्सा विभाग, हो सकता है कोई और विभाग हो, तो उन विभाग में जब पद खाली होते हैं तो सबसे पहले वो अपना ब्यौरा देते हैं, हर तिमाही पे एक ब्यौरा देते हैं कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, और वो जो ब्यौरा होता है वो निदेशालय में इकट्ठा होता है। निदेशालय क्या करता है कि जो विभिन्न चयन आयोग हैं उनको क्या करता है, अधियाचन देता है। तो अभी तक जो ये प्राधिकरण होते थे, कौन से आपके जो चयनकर्ता होते थे, ये क्या होते थे, ये आप सीधा फॉर्म निकाल देते थे, बोल देते ठीक है ये इन्होंने मांगा हुआ या इसके समकक्ष मांगा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में जब केसेस, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने लगे, जब इसमें सिलेक्शन के जो प्रोसेस है उसमें डिले होने लगा, तो इन्होंने ये मांग की कि भाई हम तब तक कोई अधियाचन नहीं लेंगे जब तक आप ये समकक्ष वाला क्लियर नहीं करोगे। और यही पिछले साल से चल रहा है कि उस समय दो वैकेंसियां चल रही थी, एक आपका एल्टीग्रेड का, एक आपका UPSC RO ARO का। तो लोक सेवा आयोग साफ साफ मना कर दे रहा था कि भैया हम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साफ साफ मना कर दे रहा था कि हम अधियाचन तब तक नहीं लेंगे जब तक आप मुझे ये समकक्षता का स्पष्टीकरण नहीं दोगे, ये आपको देखो। तो इन्होंने ये बोला है कि अब जो भी पद अधियाचन का आएंगे या जो भी पद आपका आएगा, वैकेंसी जिसकी जारी होगी,
वो वैकेंसी जारी करने से पहले से ही विभाग को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, उनमें बताना पड़ेगा कि आप अगर समकक्ष ले रहे हो तो समकक्ष में क्या क्या ले रहे हो उसका भी ब्यौरा दो, वो नोटिफिकेशन में निकाला जाएगा। इससे संबंधित ये है जो क्या है कार्यालय ज्ञाप 7 अक्टूबर 2021 से ही चल रहा है, मैंने बोला 21 के लास्ट से चल रहा था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको मैं बता दूं, दूसरा पॉइंट यहां पे क्या कहा गया है, इनमें दूसरा पॉइंट इधर है, यहां पे मैं बता दूं, इनमें इसके साथ साथ देखो यहां पे क्या है, उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 यह हुआ था, नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचकों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था, इन्होंने इसकी बात कही है। इसके बाद बोली कि ऐसे प्रकरण जैसे जहां पे तकनीकी प्रकृति के पद हों, जैसे कहीं पे मान के चलो कि आपका क्या होता है स्टेनो मांग रहा है, या फिर कहीं पे क्या मांग रहा है, कहीं पे आपका टाइपिंग का मांग रहा है, या कहीं पे कंप्यूटर की विशिष्ट नॉलेज मांग रहा है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी वैकेंसी हो गई, या कहीं पे साइंस की विशिष्ट नॉलेज मांग रहा है जैसे रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी हो गई, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ से ऐसा कोई जैसे आईटी हो गया, एक्सरे का हो गया, तो ये सारे जो आपके पोस्ट होते हैं जहाँ पे स्पेशल डिग्री टेक्निकल हो, या कोई ऐसा भी हो जहाँ पे आपको स्पेशल सब्जेक्ट मांगता हो, स्पेशल विषय मांगता हो, या स्पेशल डिग्री मांगता हो, उस केस में भी क्या होना चाहिए, विभाग को निर्धारण करना है कि कौन कौन से इसके समकक्ष हैं। क्लियर हो गई बात। तीसरा क्या है, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, यहां पे क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि इन्होंने क्या कहा कि कोई भी विद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय, वो डीम्ड हो या फिर सेंट्रली फंडेड हो या कैसे भी हो, अगर वो विश्वविद्यालय किसी एक भी, कोई एक भी विषय में स्नातक की डिग्री देती है, तो उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उस ड्यूरेशन का कोई भी कोर्स होगा सबको स्नातक ही माना जाएगा, इनका कहना ये है। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फैशन डिजाइनिंग भी कराती हैं और साथ में बीए भी करवाती हैं, अब जब बीए देते हैं तब लोग मानते हैं कि बीए स्नातक है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग को क्या बोलते हैं कि ये स्नातक के समकक्ष नहीं है, जबकि इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी बीए भी करवा रही है वो भी 3 साल का ड्यूरेशन है, फैशन डिजाइनिंग वो भी 3 साल का ड्यूरेशन है, प्रोटोकॉल दोनों के सेम है, तो जो डिग्री होगी वो फैशन डिजाइनिंग में भी क्या होगी, वो भी आपका क्या माना जाएगा, ग्रेजुएशन ही माना जाएगा, वो भी स्नातक ही माना जाएगा, ये है उसका स्पष्टीकरण। दूसरा इन्होंने बोला कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम, ऐसा होता है कई सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कॉमर्शियल कंपनियां होती हैं, जो क्या करती हैं अपने यहाँ जॉब कराते कराते बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स करवाती हैं, तो यदि कोई ऐसा कोर्स है जो उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो एक बैचलर डिग्री के साथ होना चाहिए, 3 साल का प्रोटोकॉल, इतने पेपर होने चाहिए, वो सारे फॉलो करता है, तो वो भी क्या होगा, समकक्ष होगा स्नातक के, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में वो होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार के विवरण होगा, वो फालतू की बात है। ये सारी जो इन्होंने उपयुक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग UPPSC की बात कर रहा है, UP SSSC की बात कर रहा है, और उसके अतिरिक्त बात कर रहा है, उसके अतिरिक्त मतलब कि पुलिस भर्ती बोर्ड हो गया, आपका जो नया सेवा चयन आयोग जो गठित हो रहा है शिक्षा का, उसके लिए भी बात कर रहा है, या अन्य कोई भी ऐसा भर्ती बोर्ड जो उत्तर प्रदेश के अंतर क्या कर रही है, विभिन्न परीक्षाओं के क्या करवा रही, चयन करवा रही, उन सब के लिए लागू होता है, और ये केवल ओ लेवल की बात नहीं कर रहा है या उसकी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ओ लेवल की बात ही नहीं की गई है, इन्होंने सारी वो बात की है। ये ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, ये स्नातक उपाधि के समकक्ष की बात कर रहे हैं, स्नातक उपाधि के समकक्ष की बात कर रहे हैं, ओ लेवल की अलग से चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि अगर ओ लेवल की भी समकक्षता किसी विभाग को लेना है तो उसको भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, ये भले स्नातक की बात की है, तो अब आपकी जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें नोटिफिकेशन में ही उसका एक पेज अलग से अपेंडिक्स करके दिया जाएगा कि यहां पे क्या है, ये इसके इसके समकक्ष हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसके लिए आप लोग गुमराह मत हो। अब रही बात की, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब आ जाएगी, रास्ता साफ हो गया आरओ यारो का, कुछ पेपर वाले भी क्या करते हैं, तुरंत कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगी, आना तो है ही है भाई, आना तो है ही है, लेकिन इसके चलते थोड़ा सा डिले और हो जाएगा, ये समस्या। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक तो उसमें बस समकक्ष लिख के दे देते हैं, अब विभाग विभिन्न, क्योंकि आप समझो कि आर ओ आर ओ, तो आर ओ आर ओ में केवल ऐसा तो नहीं कि सचिवालय में है, आर ओ आर ओ में रेवेन्यू में भी आपका रेवेन्यू के भी आर ओ होते हैं, अकाउंटेंट के भी आर ओ होते हैं, लेखा के भी होते हैं, UPPSC भी के भी आर ओ होंगे, तो अलग अलग विभाग से अलग अलग क्या होगा, यहाँ पे उस पद पर्टिकुलर पद के लिए यहाँ की समकक्षता डिसाइड की जाएगी, फिर आपका होगा, तो ऐसे अलग अलग विभाग अलग अलग पदों में काफी समय अब जाएगा, सब जगह से ले जाएगा, तो थोड़ा सा समय और भी लग सकता है।
सकता है। पेपर वालों को क्या है, स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद, अब तुरंत आएगा पेपर, समकक्ष अर्हता का हुआ निर्धारण, अब भर्तियों का रास्ता साफ हुआ। लेकिन हाँ, इससे क्या होगा, अब विभाग थोड़ा सा काम करेंगे तो सबसे ज्यादा आरओ यारओ, मुख्य सेविका, रेडियो ऑपरेटर, इन सब वैकेंसी पे जो कहीं डिले हो रही है इसके कारण वो क्या हो जाएंगी, उनमें तेजी आएगी और आपकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहो, परीक्षा प्लस पे इन सभी के कोर्सेज चल रहे हैं, आरओ यारओ का भी कोर्स चल रहा है, एससी आरओ यारओ का भी कोर्स चल रहा है, एपीएस का भी कोर्स चल रहा है, मिनिमम फीस में चल रहा है, बहुत विधिवत तरीके से चल रहा है। मैं वो जानकारी बार बार नहीं देना चाहता हूँ, बस आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि हाँ ये चल रहा है। अगर आप इच्छुक हो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो नो डाउट आपको परीक्षा प्लस से जुड़ना चाहिए। परीक्षा प्लस ऐप आज ही डाउनलोड करो और सब कुछ आप वहाँ पे खुद देख सकते हो, जाके सारा डेमो लगा हुआ है, आप उसे खुद डिसाइड करो। यहाँ पे कोई डिग्री मांगना नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ कोई बहुत बुरा है, आप खुद उसे डिसाइड करो। दूध पीते बच्चे नहीं हो, अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। बाकी कोई समस्या होती तो नीचे नंबर चल रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।